परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। अब जब आप के ऊपर पवित्र आत्मा आता है तब आप सामर्थ पाते हैं। कौन सी सामर्थ? अब आप समझिए कि जितने भी लोग दुनिया में हैं, आपको जीने के लिए, उद्धार पाने के लिए, इस भौतिक जीवन में आशीषों के लिए, आप पढ़ाई के लिए, आप कोई भी ताकत, कोई भी सामर्थ आप अपने विचार में ला सकते हैं। वो हर सामर्थ आपको तभी मिलता है जब पवित्र आत्मा आता है। पवित्र आत्मा इसीलिए होता है ताकि एक व्यक्ति के कैरेक्टर को पूरी तरीके से मसीहत में बदले। पवित्र आत्मा इसीलिए आ रहा है, आप सामर्थ इसीलिए पा रहे हैं ताकि आप जिसमें कमजोर हैं उसमें आप बलवंत होकर खड़े हो जाएं। आप सामर्थ पाएंगे तो यह नहीं कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालें और आप व्यभिचार में रहें। सामर्थ आप पाएंगे इसलिए नहीं कि आप अंधों की आंखें खोलें और आप झूठ बोलते जाएं। सामर्थ इसलिए नहीं, स्वर्गीय पिता का, यीशु मसीह का सामर्थ दुनिया के लोगों के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर इसलिए नहीं प्रकट है कि आप दूसरों का भला करें और अपने जीवन में भयंकर आप बुराई को रखें। सामर्थ आपको जिस भी क्षेत्र में चाहिए वो पवित्र आत्मा आपको देने के लिए तैयार है। यहां पर जो जिक्र है कि आप जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, आप हर एक व्यक्ति जो यहां पर है, वो चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे ना शादीशुदा हो, आपके ऊपर जब भी पवित्र आत्मा आएगा वो अपनी सामर्थ के साथ आता है। अब आप सोचिए, मैं जहां जाऊंगा तो मेरे अंदर जो क्वालिटी है, जो मेरे अंदर योग्यता है, वो मैं उसको, जो प्रभु ने हमको दिया है, वो चीज मैं जहां जाऊंगा वो प्रभाव वहां दिखेगा। अब ये नहीं कि मैं उसको अलमारी में रख के जाऊंगा या फिर मैं उसे कहीं किसी को सौंप दूंगा कि आप संभालो और मैं जाता हूं। ये वो चीज नहीं है जो आप अपने से अलग कर सकते हैं। आपके अंदर यदि पवित्र आत्मा है तो आप उसकी सामर्थ को उसके अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, वो भी आपके साथ साथ होगा। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा आप पर आया तो आप उसके स्वभाव को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, उसकी सामर्थ को अपने जीवन से अलग। वो जब आएगा तो कंफर्म है कि सामर्थ के साथ आएगा। यदि आप बिलीव करने वाले एक अच्छे बड़े विश्वासी हैं और आप विश्वास के साथ जब घोषणा करते हैं कि प्रभु तू कहता है जहां तेरी आत्मा है वहां पर आजादी है, फिर जब कोई प्रभु का दास घोषणा करता है कि सच में प्रभु, और वो अपने विश्वास की आंखों से देखता है कि प्रभु की आत्मा है, और जब घोषणा करता है आजादी के लिए, तो लोग छुटकारा पाना शुरू कर देते हैं। तो जब आप अपने आदत के साथ जा रहे हैं ना, अपने स्वभाव के साथ जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं तब अपने स्वभाव के साथ जा रहे हैं, तो जब साफ साफ बाइबिल कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो सामर्थ भी आएगा, आप उसे ना नकारें, आप उसे स्वीकार करें। जो बोलता है कि पवित्र आत्मा का काम केवल स्वभाव को चेंज करने का है, जो बोलते हैं पवित्र आत्मा केवल लोगों के जीवन को बदलता है, मैं आपको बोलता हूं पवित्र आत्मा आपको, आपके लिए, जीवन के लिए इसलिए आया है कि ताकि आपके स्वभाव में भी बदलाव आए, आपको जो भी छुटकारा चाहिए वो मिले, उद्धार के लिए जो भी रास्ता आपको चाहिए पवित्र आत्मा आपके लिए वो चीजें सरल करेगा, क्योंकि इसकी सामर्थ्य इसीलिए है ताकि आप सामर्थी होकर न उद्धार से दूर रह पाए, न चंगाई से दूर रह पाए, ना अच्छे अच्छे स्वभाव से दूर रह पाए, सब आपका हिस्सा होने पाए। आमीन।